देखिए हम लोग जिंक के इम्पोर्टेंट ओर की बात करेंगे, तो जो जिंक का जो इम्पोर्टेंट ओर है वो पहला जिंक ब्लेंडे और दूसरा जिंक व्हाइट और तीसरा कैलामाइन। देखिए कैलामाइन नाम से तो लग रहा है कि इसमें कैला कैल्शियम है, लेकिन देखिए ये मिस्टेक नहीं करना है। कैलामाइन डजंट कंटेन कैल्शियम, इट इज एन ओर ऑफ जिंक। कैलामाइन जो होता है ये जिंक का ओर है, इसमें कैल्शियम नहीं होता है, ठीक है। तो ये जिंक का कैला आपका से याद रखिए ये कार्बोनेट है, तो जिंक का कार्बोनेट यानी ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट को हम लोग कैलामाइन कहते हैं, ये कैलामाइन हो गया। और जिंक ब्लेंडे, देखिए जिंक ब्लेंडे जो होता है ये आपका ZnS को जिंक सल्फाइड को हम लोग जिंक ब्लेंडे कहते हैं। और जिंक व्हाइट ZnO को जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, जिंक व्हाइट कहते हैं। देखिए इसका और नाम क्या होता है, देखिए जिंक व्हाइट का और नाम होता है, यहाँ से हमने WH को हटा दिया, बाकी को हमने सटा दिया। देखिए WH को हटा दिया और जिंक और जो बच गया आइट इसको एक साथ लिख दिया, तो क्या हो जाएगा जिंकाइट, ये जिंकाइट हो गया, ठीक है। और इसका एक और नाम होता है ZnO का, इसको बोलते हैं फिलोसफर ओल। देखिए ZnO का इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलोसफर ओल कहते हैं। तो ZnO का तीन नाम हो गया, जिंक व्हाइट, जिंकाइट और फिलोसफर ओल हो गया। तो ये जिंक का ये इम्पोर्टेंट ओर हो गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।